परिवर्तन के साथ ही अब शहर सरकार को बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में महापौर बदलने की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है, जिसमें दुर्ग नगर निगम का भी नाम जुड़ गया है। और इसी क्रम में दुर्ग नगर निगम के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्ग महापौर धीरज बकली बाल की है। दुर्ग नगर निगम के परिसरों में बीजेपी के पार्षदों की टीम ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में महापौर का इस्तीफा मांगने पहुंची, जहां पर निगम में भ्रष्टाचार, कुर्सी छोड़ दो नगर निगम, सरकार के नारे लगाए हैं। इस दौरान महापौर और आयुक्त के नहीं मिलने पर पार्षदों ने पोस्टर चिपकाकर प्रभारी लेखा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अपना विरोध दर्ज कराया। दुर्ग शहर में 4 वर्षों से जब से ये परिषद बैठी है, तब से नागरिक सुविधाओं का हाल बेहाल है और उसी 40,000 वोटों ने दुर्ग शहर को नकार दिया। प्रत्येक महापौर परिषद के सदस्यों में सदस्यों के बारे में हार भी है, स्वयं महापौर के वार्ड में जनता ने उन्हें नकार दिया है भारी बुरी तरीके से। 499 वोट से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है महापौर के स्थिति में। हमारे नेता प्रतिपक्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदगण, यहाँ के महापौर धीरज बाकलीवाल से हम इस्तीफा मांगने आए हैं। धीरज बाकलीवाल की सरकार और उसकी एमआईसी दुर्ग शहर में जब से यहाँ पे 4 साल से बैठा है, दुर्ग शहर की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। यहाँ चाहे आवास योजना हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधा हो, पूरे दुर्ग शहर की जनता यहाँ बहुत परेशान है। कांग्रेस के सरसा